आज है मंडे 12 सितंबर और हमें अभी छत पे रूफ ऑफ हाउस घर की छत पे है और माशाल्लाह बारिश भी शुरू है, बूंदाबांदी वगैरह आ रही है और आप देख सकते हैं कि लोहे का काम जो है वो शुरू है और आज जो है ऑफ है, ऑफिशियल लेबर छुट्टी रहती है और हमने अभी डायरेक्ट छत पे से ही वीडियो बनाने का इरादा किया है, इसलिए ऊपर से ही और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। बाकी तो आप देख सकते हैं और हम नीचे की तरफ उतरेंगे बाहर वाले जीने से। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे नीचे उतरा जा रहा है और आप देख सकते हैं कि सेंटरिंग वगैरह पूरी लग चुकी है माशाल्लाह। और ये दवा खाने का रूम आप देख सकते हैं और ये हॉल और माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि जीने की बाकी भी सेंटरिंग निकाल चुकी है। आपको तो पता है कि कुछ ना कुछ काम कर ही लेते हैं ऑफ डे में भी, आज भी कुछ ना कुछ काम के लिए फील्डिंग लगाई गई है और ये सेंटरिंग आगे की, मतलब पिछली जो सेंटरिंग थी अभी तक के जो भी कुछ कॉलम वगैरह जीने की सेंटरिंग लगाई गई है, लेकिन बाहर की जीने को छोड़ के बाकी सब सेंटरिंग निकल चुकी है। और आप भी ये देख सकते हैं कि वॉशिंग एरिया, बाथरूम के ऊपर का जीना और माशाल्लाह वॉशिंग एरिया और ये डक रहेगा खाली ये वेंटिलेशन के लिए, और क्योंकि पूरी दीवार पैक है तो वेंटिलेशन उसमें बीच के ज़रिए निकाला गया है कि ताकि अंधक न लगे घर, नहीं तो अंधक वो कितने भी लाइट लगा दे तो आपको कुछ घरों में रोशनी कमी दिखाई देती होगी, तो वो वेंटिलेशन का ही इसका कारण बनता है। और हम बाहर की तरफ बाहर के सीने की साइड से निकलेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जीना वगैरह बाहर का यहाँ की सेंटरिंग अभी निकलना बाकी है। और अब आगे के जो काम है वो सेंटरिंग जो है लोहे की चादर बनाना कल से स्टार्ट की जाएंगी और ये साइड जो है जिसके इंजीनियर सर अवेश खान है और कॉन्ट्रैक्टर मोहसिन खान सर है और ये साइड 1500 स्क्वायर फुट की है जहाँ सर अवेश खान का इंजीनियर ऑफिस रहेगा, डॉक्टर खान का दवाखाना रहेगा। ये साइड जो है अब्दुल्ला पैलेस के सामने, ये रोड जो है पैराडाइज रोड है जिससे सिर्फ 290 मीटर की दूरी पर है। ये रोड जो है VMV पंचवटी होते हुए नागपुर हाईवे को टच होता है, वलगा रोड जिससे सिर्फ 250 मीटर की दूरी पर है, और ये रोड जो है लेफ्ट साइड की तरफ राजा पेड़ इतवारा बाजार, राइट साइड की तरफ वलगा रोड, MP रोड और गबुशो अलीसम की जो दरगाह है वहाँ से ये साइड क्लियर दिखती है और ये साइड से भी गबुशो अलीसम की दरगाह भी क्लियर दिखती है। माशाल्लाह बने रहे हमारे साथ आगे काम देखने के लिए क्या क्या हो रहा है और देखते रहिए।